YouTube पर क्या हो रहा है, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंतजार दे दिया। करप्शन हो रहा है, ये तो हम कहते रहे कि पंजाब तो जादू और करप्शन पे चलता है। बिलावल भुट्टो ने नैब को बंद करने का मुतालबा कर दिया, कहते हैं नैब को खत्म करें, इदारे को ताला लगा दें, चेयरमैन नैब घर जाएं। हुकूमत पर भी तनकीद, कहा सिलेक्टेड को ऐसे चलाया गया तो मजीद नुकसान होगा, पंजाब की हुकूमती टीम नालायक और नाहिल है। दसवीं कौमी मालियाती कमीशन के TORs तब्दील, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और साबिका फाटा को वसाइल की फराहमी को TORs से निकाल दिया गया। सिक्योरिटी और कुदरती आफात पर उठने वाले खराजात भी TORs में शामिल नहीं। हुकूमत को एक और यू टर्न लेना पड़ गया, मशीर खजाना हफीज शेख को कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया गया। कमीशन की तश्कील का नया नोटिफिकेशन अदालत में पेश, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त निमटा दी। ने मलिक अमीन असलम की कुर्बानी दे दी, मुशीरे मौसमियाती तब्दीली अब मामले खुसूसी होंगे। तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी करेगी, रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज हसन का दावा, बोले शरीफ बरादरान ने हुकूमत की मजबूती की जमानत दे रखी है, उनकी खामोशी के पीछे कोई राज है, प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू। पंजाब में सरकारी निर्खों पर आटा मिला न चीनी, रावलपिंडी से डीजी खान तक सस्ती अशिया के लिए दुहाई, ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 82 रुपए किलो हो गई, आटे की भी महंगे दामों फरोख, लाहौर के शहरी महंगाई बढ़ने पर सख्त बरहम। मुल्क में चीनी की पैदावार 8 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, मई तक चीनी की मजमूई पैदावार 48,77,000 टन रही, पैदावार मुल्क की जरूरियात से भी 4 लाख टन कम है। लाहौर में वासा ने ईद कुर्बान से कबल मुलाजमीन के रोजगार पर छुरी चला दी, वासा ने सैकड़ों वर्क चार्ज मुलाजमीन को फारिग कर दिया, नौकरी से फारिग होने वाले 5 साल से वासा में काम कर रहे हैं। पंजाब में ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, शादी हॉल सितंबर के पहले हफ्ते खोलने की तजवीज, असलम इकबाल कहते हैं हतमी फैसला NCOC इजलास में होगा।